अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं मुसलसल बारिशों की वजह से पानी ही पानी जमा हो चुका है और टुकड़ी अराइयाँ नवाही गाँव में इस तरह उनके खेत खलियान डूब चुके हैं और जो फसलें लगाई हुई थी मूंजी की वो डूब चुकी हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख भी सकते हैं कि मेरे पीछे पानी ही पानी है। तो देखें किस तरह पानी ही पानी है, और इधर आपको मज़ीद दिखाते हैं कि फसल डूब चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बारिशों की वजह से तकरीबन सारी फसलें ही डूब चुकी हैं, और मेरे पीछे वो देख सकेंगे डेयरी फार्म है तो वो डूब चुका है, और वो लोग जनरेटर के साथ पानी निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, वो देखें वो जनरेटर लगा के पानी लगा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा पानी है बारिशों की वजह से। तो बारिशों की वजह से जो फसलें लोगों ने लगाई थी इससे पहले तकरीबन वो डूब चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो देखें आपको मज़ीद भी दिखाते हैं, लोगों के कच्चे मकान थे वो भी गिर चुके हैं बारिशों की वजह से। तो देखें हर तरफ पानी पानी है, और हमारे साथ ही पलकू डैक भी बहता है, उसके भी हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह ओवरफ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको हम दिखा रहे हैं पलखू, तो पलखू इस दफ़ा फुल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, देखें कि किस तरह पानी ओवरफ्लो होने के नज़दीक है, और वो देख सकते हैं कि साथ वाले गांव में पानी घुस जा भी रहा है। तो पानी ओवर हो चुका है, तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी इनकी वजह से पानी ही पानी हो चुका है जगह। तो देखें पानी किस तरह है, अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो फिर बहुत खतरा है। साथ वाले गांव में तो पानी जा रहे हैं, हमारे गांव में अभी तक तो महफूज है, अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर खतरा लाख हो सकता है। तो देखें पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है और ओवर होने के करीब या तकरीबन। तो देख सकते हैं, वो देखें वो साथ पुल भी था तो वो बह चुका है पानी की वजह से ना। तो देख सकते हैं ये पिछली दफ़ा ही शायद बह गया था पानी के फ्लो की वजह से ना, तो इस दफ़ा तो पानी बहुत ज़्यादा है ना, देख सकते हैं। तो अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, तो ये फसलें डूबने का खतरा है और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है इस वजह से। तो ये देख सकते हैं आपके किस तरह वसी पैमाने पर ये फसलें लगी हुई हैं, अगर बारिश मज़ीद हुई तो इनके डूबने का खतरा है। उस साइड पर तो डूब चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इलाका बचा हुआ है, अगर मज़ीद बारिशें होंगी तो फिर इनको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचने का अंदेशा है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम पर रहम की बारिश करें, अब बारिशें रुक ही जाएँ तो अच्छा है। तो वो आप देख सकते हैं कि वो देखें इधर कुछ फसलें जो है ना डूब चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं कि इधर तो डूब चुके हैं लेकिन उधर अब फिलहाल तो बच ही गया है। अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो ये सारा इलाका खतरे में पड़ सकता है, तो फसलें तबाह होने का अंदेशा है। आज भी तू काटा है ना।